So, first of all, let us understand the syllabus of semester 6 financial accounting. So, basically, if you see semester 5 syllabus, which you have learned, uh, the examination was uh, due to the pandemic situation, the examination was in MCQ's pattern. So, now in this semester, uh, we will be having a brief introduction about the subject, we will be having the brief introduction about the chapters.

Uh, ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा तो बेसिकली ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो हम दोनों साइड से अगर प्रिपरेशंस कर लेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम्स फेस नहीं होगा अगर ऑन द स्पॉट अगर डिसीजन लिया गया कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन लेनी चाहिए या एम एग्जामिनेशन होगी तो उससे हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए तो शुरू करते हैं सिलेबस ऑफ सेमेस्टर सिक्स

द चैप्टर नंबर सेकंड इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक वेरी इजी टॉपिक एंड वेरी इजी टू स्कोर इन द एग्जामिनेशन एंड दैट इज अकाउंटिंग फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरन करेंसी दिस इज एज पर दाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन के बेसिस पे है लेकिन इस चैप्टर को हम शॉर्ट फॉर्म में एफ ई के नाम से जानते हैं फॉरन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन या एफ ई चैप्टर या फॉरन करेंसी चैप्टर ऐसा अगर बोलेंगे तो ये आपका सेकेंड टॉपिक बन जाएगा एंड द सेकेंड टॉपिक इज अकाउंटिंग फॉर ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ द फॉरन करेंसी अगर हम इंडिया में हमारा बिजनेस है हम फॉरन में भी बिजनेस करते हैं तो वहां की करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑल दिस पॉइंट्स यू आर गोइंग टू लर्न इन मच डिटेल इन द चैप्टर नंबर सेकेंड चैप्टर नंबर थर्ड विच वी आर गोइंग टू लर्न इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज तो लिक्विडेशन का मीनिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि लिक्विडेशन क्या होता है जब बिजनेस लिक्विडेट होता है तो किस तरीके से सेटलमेंट होता है सारी चीजें इसमें एक एक करके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर इज अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर एंड डिबेंचर्स अंडर राइटिंग ऑफ द शेयर में विल बी लर्निंग अबाउट द अंडर राइटिंग वॉट इज वट इज द मीनिंग ऑफ अंडर राइटिंग वॉट इज अंडर राइटिंग कमीशन फिर जो कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन के जो प्रोविजन है अंडर राइटिंग रिलेटेड वो सारी पढ़ेंगे अंडर राइटर्स कौन होते हैं ये सारी चीजें हम इसमें कवरअप कर लेंगे और हमारा जो लास्ट टॉपिक है हमारे सेमेस्टर सिक्स के सिलेबस का दैट इज कॉल्ड एस एल एल पी तो अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम एल एल पी के नाम से जानते हैं जो एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है कंपनीज का और पार्टनरशिप का तो so, ये yeah, आपने oh, में आपके लॉ के सब्जेक्ट में पढ़ लिया होगा तो ऑल दिस पॉइंट्स आर बीन कवर्ड इन दिस अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप तो ये जो टॉपिक्स है दिस फाइव टॉपिक्स यू हैव टू लर्न इन यूर टी वाई बी कॉम सेमिस्टर सिक्स एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो लेट एस सी वॉट काइंड ऑफ पॉइंट आर रिलेटेड विद ईच टॉपिक तो अगर हम सबसे पहले टॉपिक की बात करें विच इज रिलेटेड विद अमाल एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकन्स्ट्रक्शन इसमें आप एब्जॉप्शन रिलेटेड पार्ट पढ़ोगे एक्विजीशन रिलेटेड पार्ट पढ़ोगे फिर मर्जर क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे

चैप्टर नंबर सेकेंड इज फॉरन करेंसी तो फॉरन करेंसी में हम क्या पढ़ेंगे फॉरन करेंसी में विल बी लर्निंग ऑन एक्सपोर्ट वी एक्सपोर्ट के आप सम्स पढ़ोगे फिर इम्पोर्ट uh, के आप सम्स पढ़ोगे और कंबाइंड प्रॉब्लम पढ़ोगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में विल बी हैविंग एक्सपोर्ट क्वेश्चन एज वेल एज इम्पोर्ट क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इजी टू स्कोर आपको काफी इंटरेस्ट लगेगा इस चैप्टर में जब हम इसको आगे कवरअप कर लेंगे Then the थर्ड पार्ट इज थर्ड चैप्टर इज़ लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में हम कि लिक्विडेशन कैसा होता है उसका मीनिंग पढ़ेंगे फिर जो प्रेफरेंशियल पेमेंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है जिसको हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट कहते हैं तो हाउ टू प्रिपेयर दैट एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है जो सारे असेट्स को लिक्विडेट करता है और सारे लाइबिलिटीज़ को सेटल करने का काम करता है ऑल दिस पॉइंट यू आर गोइंग टू लर्न इन मच डिटेल यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम कर लेंगे दैन द पार्ट विल बी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जिसमें डेफिसिट और सरप्लस अकाउंट भी प्रिपेयर किया जाता है वो भी हम धीरे धीरे इसमें कवरअप कर लेंगे तो दिस ऑल द पॉइंट्स रिलेटेड विद योअर सिलेबस तो लिक्विडेशन में दिज आर द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू लर्न इन मच डिटेल क्स्ट टॉपिक द नेक्स्ट टॉपिक इज अंडर वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड वेरी प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के जाते हैं तो कैसे होता है सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए सेबी के रूल्स क्या है अंडर राइटर्स का रोल इसमें क्या होता है तो अंडर राइटर्स जो होते हैं वो किस तरीके से अंडर राइटिंग करते हैं एज वेल एज जो टाइप्स ऑफ अंडर राइटिंग है फर्म अंडर राइटिंग है वो सारी चीज हम पढ़ने वाले छोटा सा टॉपिक है स्कोरिंग के लिए काफी अच्छा टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा आ, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा इन्वॉल्व है तो कैलकुलेटिव चैप्टर है सो तो इसमें हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अंडर टाइप्स ऑफ अंडर एंड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स विल बी रिलेटेड विद द अंडर राइटिंग तो अंडर राइटिंग अंडर राइटर्स होंगे ए बी सी डी या नाम दिए जाएंगे उसके बेसिस पे आपको अंडर राइटर्स का स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है तो द नेक्स्ट टॉपिक इज अकाउंटिंग फॉर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप

वेरी गुड आपको सारे के सारे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे सारे के सारे वीडियोज मिलेंगे और उतने वीडियोज भी अगर आप कर लोगे तो दैट विल यूर नॉट ज्वाइन द कोर्स अभी एनरोल कर ले काफी नॉमिनल फीस है जिसमें आपके सारे के सारे पॉइंट इजिली कवरअप होने वाले है तो थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस नेक्स्ट टाइम मिलेंगे चैप्टर नंबर वन से शुरू करेंगे एंड विल बी लर्निंग ऑल द बेसिक्स विध प्रैक्टिकल क्वेश्चन With full concept clarity, which will be helping all of you for your upcoming examination.